खट्टर सरकार ने लाइन लॉसेज कम करके बिजली की दरें कम की है और सरकार का प्रयास आगे भी जारी है। इस समय मेरे साथ हैं उत्तर एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष शत्रुजीत कपूर। इनसे जानते हैं कि कितनी लाइन लॉसेज में कमी आई है। वर्ष 2016-17 में काफ़ी प्रयास किए गए बिजली चोरी को रोकने के, और दूसरे भी हमारे जितने भी इसमें एफर्ट्स हो सकते थे वो किए गए, और कुल मिला के लगभग 4% की कमी हमारे लाइन लॉसेस में आई है। और इसमें जो उदय स्कीम के तहत पूरे भारत में जितने राज्यों ने इसमें ज्वाइन किया स्कीम को, उनमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दो तीन राज्यों की जो रही है उनमें हरियाणा भी एक है। और इसी का परिणाम है कि जो हमारे सरचार्ज का जो अमाउंट है उसको हम बिना कोई अतिरिक्त ऋण लिए कम करने में कामयाब रहे हैं, और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। जितनी भी इसमें जो कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो गलत तरीके से बिजली की चोरी करके ऐसा करते हैं, तो उनको इस पे नकेल कसने के लिए हमारे प्रयत्न जारी रहेंगे, और चोरी को और कम करके बाकी भी हमारे सिस्टम्स में एफिशिएंसी ला करके इसको जितना भी उसका लाभ मिलेगा उसको हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की के प्रयास करते रहेंगे। कपूर साहब, जुर्माना माफी योजना जो है उसकी आगे आपने तिथि भी बढ़ाई है, क्योंकि नोटबंदी के कारण जो उपभोक्ता थे वो लाभ उठाने से रह गए थे। जी, गत वर्ष नवंबर दिसंबर माह में सरचार्ज वेवर स्कीम, जो हमारी बिजली बिल ब्याज माफी योजना सरकार ने शुरू की थी, जिसके बड़े अच्छे परिणाम निकले थे। करीब 600 करोड़ रुपए के जो बिलों का पिछले बहुत साल से जो पेंडिंग थे उनका निपटारा हुआ था उस दौरान। लेकिन उसमें एक समस्या ये आई थी कि नोटबंदी की वजह से बहुत सारे लोगों के पास चाहकर भी वो इस स्कीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें कैश की समस्या थी। तो ये डिमांड आ रही थी बार बार कि इसको स्कीम को हम दोबारा से लेकर के आएं, और अब फसल क्योंकि कटी है और लोगों के पास कैश की समस्या नहीं है खासतौर पर ग्रामीण अंचल में, तो इस स्कीम को राज्य सरकार ने फिर से फैसला किया है कि 31 मई तक इसको लॉन्च किया जाए, जिसको आज से ही इस बारे में आदेश जारी हो गया है। और इस पे जो भी उपभोक्ता जिनके किसी वजह से वो बिजली के बिल पुराने समय से नहीं दे पाए, उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो केवल अपना मूल राशि दे करके, चाहे वो एक मुश्त दें या 6 किश्तों में दें, वो अपने सरचार्ज से मुक्ति पा सकते हैं। ब्याज जो इतना लगा हुआ है उसको हम 3 चरणों में उनका माफ करेंगे अगले 3 साल में। तो इसका मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरा मुद्दा जो हमारे रेवेन्यू बढ़ाने का है, जैसे कि मैंने बताया कि बिजली चोरी पे हमारी जो ये मुहिम है, इसमें एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की जो कॉलोनीज़ हैं उन पे खास तौर पे हम तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ पे किसी किस्म की चोरी और किसी किस्म का ऐसा कुंडी वगैरह लगाने की ऐसे इंसिडेंट ना हो। तो इसी कड़ी में पीछे कई जगह हमने चेकिंग की, बिजली की कॉलोनीज में चेकिंग की, और कल एक पुलिस कॉलोनी में गुड़गांव में चेकिंग की जहाँ पे 24 केस बने हैं। और ऐसे सभी केसेस में हमने फैसला ये किया है कि चोरी के का केस तो बनेगा ही बनेगा, FIR भी होगी और पेनल्टी भी लगेगी नियम के अनुसार, और साथ साथ विभागाध्यक्ष को हम चिट्ठी लिखेंगे कि इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करें ऐसे सरकारी मुलाजमों के खिलाफ, और उनसे घर भी खाली कराया जाए। तो ये एक मुहिम है जो अब सारे प्रांत में हम चलाएंगे, और साथ साथ जिन इलाकों में बिजली चोरी ज़्यादा होती है तो वहाँ भी ये मुहिम जारी रहेगी। कपूर साहब, कल इनेलो ने संकेत दिए हैं कि बिजली के कट हरियाणा में ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरह पहले भी उन्होंने शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन और धरना दिया है। देखिए साहब, बिजली के कट तो अभी जो सप्लाई है वो पहले से बेहतर है। बहुत साल से हमारे प्रांत पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में केवल 12 घंटे बिजली देने का ही
प्रावधान रहा है। पहली दफ़ा ये हमारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत सरकार ने जो पॉलिसी बनाई कि जो भी गांव इस स्कीम को ऑप्ट करता है, इस स्कीम के तहत आता है, उनको 12 से 15 घंटे बिजली कर दी जाती है। और फिर जैसे ही वहाँ पे काम पूरा हो जाता है, उसमें जो नए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, नए पोल्स लगाए जाते हैं, जो भी उसकी सुविधाएं हैं बिजली की, वो बेहतर की जाती हैं और मीटर बाहर निकाले जाते हैं। और ये सब काम पूरा होने के बाद लॉसेज जैसे ही कम आते हैं तो उस पर 15 से बढ़ाकर उसको 18, 21 और यहाँ तक कि बहुत सारे गाँवों में 24 घंटे तक बिजली का प्रावधान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पंचकूला जिला पूरा का पूरा जितने गांव हैं सब में अब 24 घंटे बिजली हम उसमें शेड्यूल के हिसाब से देते हैं। और यही प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में इस वर्ष में हम कई और जिलों को भी टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली के घंटे जो 12 घंटे रहे हैं 20 साल से, उसको बढ़ा करके हम 15, 18, 21 और 24 घंटे पर लेके आए। ये थे मेरे साथ उत्तरी एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष शत्रुजीत कपूर। इनका कहना है कि लाइन लॉसेज कम होने की वजह से बिजली की दरों में कटौती की गई है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बिजली चोरी के मामले कई सरकारी कॉलोनियों में सामने आए हैं और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके विभागों के अध्यक्षों को भी लिखा जाएगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।